ये कहानी कुछ एक आ रहा हूं। ये कहानी बाकी कहानियों से कुछ अलग होने वाली है। ये मेरी बहुत दिल के करीब रही है, मेरे सारे आर्टिस्ट भाई लोगों को डेडिकेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आर यू इन द स्टोरी? अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम। कितनी अजीब सी बात है ना, ये बिखरी हुई लकीरें, ये फैले हुए रंग कैसे जादू से मिलते हैं और इतनी खूबसूरत तस्वीर बना देते हैं। अचानक पापा कमरे में आए और मेरी तस्वीर लेकर फाड़ दी। मैं उन फटे पन्नों को धीरे धीरे जमीन पर गिरते हुए देखा। फटने के बावजूद उसके रंग कितने खूबसूरत लग रहे थे। तुम ट्यूशन के लिए आधा घंटा लेट हो चुकी हो, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, तुम्हें डॉक्टर बनना है और कुछ नहीं। जैसा अवस्थी जी की बेटी ने लिया है एडमिशन एम्स में, क्या क्या नाम है उसका, शिखा, हाँ शिखा, शिखा की तरह। ये कागज रंगने में कोई इज्जत नहीं है, कोई नहीं पूछता, भूखो मरोगे। तुम्हारा गोल डॉक्टर है, सिर्फ डॉक्टर बनना और कुछ नहीं। मैंने उन फटी हुई तस्वीर के टुकड़ों को उठाया और अपने बैग में बाकी ट्यूशन की किताबों के साथ रख लिया। जवाब जिनका नहीं वो सवाल होते हैं। ट्यूशन में सबसे आखिरी सीट पर बैठे बैठे मैं अपनी फटी हुई तस्वीर को देख रही थी, उन रंगों की आज़ादी को महसूस कर रही थी। किस तरह बिखरे हुए थे, अपनी पूरी इच्छा तक फैले हुए। मैं आज़ाद नहीं तो क्या, ये आज़ाद थे बिल्कुल। मेरी आँख से आंसू की बूंद गिरी और वहाँ का रंग फैल गया। ट्यूशन खत्म हुआ और मैं सर झुकाते हुए घर जा ही रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, सुनो। मुझे लगा फिर कोई ट्यूशन का मनचला प्रपोज करना चाहता है, ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। मैंने कहा, सुनो मिस्टर, मैं इस सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब दोबारा मेरा पीछा मत करना। पर मैं तो तुम्हें बस तुम्हारा सामान लौटाने आया था जो तुम वहीं क्लास में भूल आई थी। उसके हाथ में मेरी बनाई हुई तस्वीर थी, उसने टुकड़े जोड़ दिए थे। हालांकि पहले जैसी तो नहीं हुई थी, मगर अब भी खूबसूरत दिख रही थी। मैंने उसे शुक्रिया किया। कितनी अजीब सी बात है ना, ये बिखरी हुई लकीरें, ये फैले हुए रंग कैसे जादू से मिलते हैं और इतनी खूबसूरत तस्वीर बना देते हैं। मेरे मुंह से इस बात पर सिर्फ हाँ निकला। मैं उसकी सोच जानकर हैरान हो गई। मैं दोबारा शुक्रिया कर अपने घर की तरफ चलने लगी। मैं उसे कुछ पूछना चाहती थी पर सोचा छोड़ो। लेकिन फिर मैं मुड़ी, सुनो तुम्हें क्या लगता है, मुझे डॉक्टर बनके अपने पापा का सपना पूरा करना चाहिए या आर्टिस्ट बनकर अपना? ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी। रात अपने कमरे में कान में लीड लगाकर अपनी पसंदीदा गजल सुनते हुए मैं बहुत सी नींद की गोलियां खा गई। कहां सफर के हम। गुनगुनाते हुए मैं नींद के आगोश में चली गई। यहां मैं आजाद हूं, जो चाहे कर सकती हूँ, जो बनना चाहे बन सकती हूँ। किसी और के सपनों का बोझ नहीं, किसी की जबरदस्ती नहीं, सिर्फ आजादी का एहसास है, आजादी की खुशी है। बाहर पापा दरवाजा खड़का रहे हैं बहुत तेज आवाज में। ट्यूशन जाने को देरी हो रही है, मगर अब मैं नहीं सुनूंगी। उन्हें भी ये तब तक खड़काना पड़ेगा जब तक उन्हें एहसास नहीं हो जाए कि मैं आजाद हो चुकी हूँ। क्या सोचेंगे वो मुझे ऐसे देखकर? मेरे मुंह से सफेद झाग बाहर आ रहा है, उन्हें लगेगा मैं उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन मैं तो यही हूं, बस अब मैं आजाद हूं। हाँ, क्या करती, उसने अपना सपना पूरा करने के लिए जो कहा था।
सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन हमेशा कहते तो रहते हैं, मगर इसके अलावा ऑप्शन क्या देते हैं? मैं सुसाइड प्रमोट नहीं कर रहा, और ये हमें बहुत अच्छे से देना आता है, लेबल्स देना, टैग्स देना, अपने ओपिनियंस रखना। अगर वो एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता तो वो सुसाइड नहीं करता। क्या पता उसने अपने माँ बाप के बारे में सोच कर ही सुसाइड किया। वो डिप्रेशन में चल रहा था इसलिए। क्यों था वो डिप्रेशन में? सब हंसते खेलते ही तो आते हैं, हम उन्हें पागल कर देते हैं। या तो हमारी मर्जी से चुपचाप कॉम्प्रोमाइज कर लो, या हम जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे। मैं एक साल इंजीनियरिंग करके ड्रॉप आउट हो गया। उस एक साल में बस यही ख्याल आते रहते थे। I was fascinated with death। उसी समय की ये कहानी और ऐसी कई शायरियां मैंने लिखी है। मेरी मौत हो गई जल्दी और वो नहीं रो पाए। मुझे किसी ने फोर्स नहीं करा था इंजीनियरिंग के लिए, बट आई वॉज मैनिपुलेटेड। अब मैं आज़ाद हुए 72 साल हो गया। हम खुद को आज़ाद कहते हैं, पर क्या हमारी सोसाइटी फ्री सोसाइटी है? ना अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने की आज़ादी है, ना प्यार करने की आज़ादी है, ना गलती करने की आज़ादी है, खाक आज़ाद है। कि जाने चिंता है या भीख है, क्यों जो सिर्फ तुम्हें लगता है वही मेरे लिए ठीक है। कि जानता हूँ तुम्हें मुझसे उम्मीद है, पर मेरी लड़ाई है तो कैसी हार और कौन सी जीत है। कि एक पुकार है, एक चीख है, तुम्हारी नसीहत को मेरी सीख है। कि है लाठी में जोर तुम्हारी तो वो आज टूटेगी, क्योंकि ये बैल भी बड़ा ढीठ है। हालांकि जब मैंने घर वालों को बताया कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने सपोर्ट करा और थोड़ा सा समय लिया एक्सेप्ट करने में। और हमें भी ये समझना चाहिए कि जब तुम कुछ अलग करने निकलते हो तो बाकी लोग भी अपना समय लेते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हार मान लें, हार मान के बैठ जाएं। बचपन में जब हमसे पेंसिल रबर छीन कर पेन पकड़ा दिया जाता है, तो मानो हमसे गलती करने की आज़ादी भी छीन ली जाती है। जब तुम पेन से गलती करते हो किताब पर, तो काटने पर उसका निशान रह जाता है। इस चक्कर में हम जो गलत शब्द भी लिखते हैं ना, उनको इग्नोर मार देते हैं, काटते नहीं है। और ये आदत ऐसी पड़ जाती है कि ऐसी ज़िंदगी की किताब में भी जब हम लिखते हैं, कोई गलत फैसला लेते हैं, तो उन्हें बदलते नहीं हैं, खाली नज़रअंदाज करते रहते हैं, नज़रअंदाज की निशान पड़ जाएगा। मगर जब ये किताब ख़त्म होगी ना, और कोई जब इसे खोल कर पढ़ेगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि कितनी साफ किताब है, वो ये देखेंगे कि कहानी कितनी अच्छी थी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दो। अब हर हफ्ते 10 दिन में ट्राई करूँगा मैं एक ऐसी नई कहानी लाने का। तो सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगली बार। मसीहा। Are you in the story? इस चैनल का पहला रूल है तादे का मतलब नहीं पूछोगे। इस चैनल का दूसरा रूल है तादे का मतलब नहीं पूछोगे।